हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल टुडे। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे। सो आज इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स, समर रिलेटेड टिप्स। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हो ना तो आपके समर्स बहुत ही इजीली से निकल जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में। लेकिन गाइज, अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो हिट लाइक भी जरूर देना इस वीडियो को। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो रजिस्ट्रार स्किन साइंस है तो इनकी वेबसाइट पे चल रहा है समर फ्लैश सेल, जो कि 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ये सेल रहने वाली है। दिस इज फॉर ऑल द स्किन लवर्स। अगर आप चाहते हो तो आप प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो जस्ट फॉर ₹99। सो दिस इज सुपर डुपर अफोर्डेबल। आप जरूर जाइए और अपने लिए ये सारे ही प्रोडक्ट्स बाय करिए। सो गो टू registure.com। सो डोंट मिस दिस चांस गाइज, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। सो गाइज, मेरी टिप नंबर वन है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपके फेस पे हमेशा आपने नोटिस किया होगा एक पफिनेस सी बनी रहती है, या फिर आपके आईज के नीचे भी पफिनेस सी हो जाती है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए आप आइस क्यूब्स ले सकते हो। आप आइस क्यूब लो एक और अपने हैंकी में रख के, और फिर उससे जो है अपने फेस को मसाज करो। आप देखना आपकी जो मॉर्निंग सिकनेस है या फिर मॉर्निंग स्वेलिंग है आपके फेस में, वो तुरंत छूमंतर हो जाएगी। देन सेकेंड टिप मैं आपको बताऊंगी, एक नाइट टिप। यस गर्ल्स, अगर आप जो है अपने फेस पे ऐसा फील करते हो कि बहुत ज्यादा डल डिहाइड्रेटेड सा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको डेली जो है एलोवेरा जेल अपने फेस पे अप्लाई करना है। आप चाहो तो दिन में भी अप्लाई कर सकते हो, बट इफ यू वॉन्ट कि आपका नाइट में डिहाइड्रेशन हो रही है तो आप इस एलोवेरा जेल को जो है दांत में लगा के बिल्कुल सो सकते हो। देन गर्ल्स, टिप नंबर थ्री मैं दूंगी आपको कि आप जो है अपने मेकअप को बिल्कुल मिनिमम रखो। इस तरीके के यू नो लिप एंड चीक टिंट आते हैं, लेट मी शो यू कैसे लिखते हैं, इस तरीके के आते हैं। तो ये जो है आप अपने चीक्स पे लगा सकते हो, लिप्स पे लगा सकते हो, और आईज में भी लगा सकते हो। तो जितना कम मेकअप हो तो आप उतना करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी के साथ ही साथ गाइज, आज मैं आपके साथ में ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ, अगर आप ये भी यूज करोगे ना तो आपका जो फेस है वो डल एंड डिहाइड्रेटेड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो गर्ल्स, इन द मॉर्निंग व्हेन आई वॉश माय फेस, उसके बाद में मैं यूज करती हूँ ये वाला प्रोडक्ट। तो ये है रजिस्ट्रार स्किन साइंस का सैलिसिलिक एसिड क्लेंजिंग पैड। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा यू नो ऐसी ऑयली टाइप की स्किन हो रही है तो आप जो है ये वाले पैड्स को बिल्कुल यूज कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके के पैड्स आते हैं। इसमें एक बहुत ही प्यारा सा कंटेनर दिया गया है, ये आप देख सकते हो, और फिर इसमें जो है आपके पैड्स रखे गए हैं। लेट मी शो यू किस तरीके के हैं। तो ये है पैड्स इस तरीके के इसमें, और इसमें सैलिसिलिक एसिड दिया गया है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप जस्ट निकालिए इसमें से और फिर अपना स्किन को हमेशा आप हाइड्रेटेड बना सकते हो। तो आई रियली लव दिस वन। और रजिस्ट्रार स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऑलवेज केमिकल्स फ्री रहते हैं, पैराबेंस नहीं होता इसमें, सल्फेट्स नहीं होता, कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है। देन इसके बाद में आपको एक सीरम बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। तो मैं गर्मियों में अप्लाई करती हूँ रजिस्ट्रार का 2% सैलिसिलिक एसिड एंटी एक्ने एंड एंटी ब्लेमिश स्किन सीरम। तो ये इस तरीके की बॉटल में मिल जाता है आपको, ये आप देख सकते हो इस तरीके की बॉटल है गाइस, और इसमें जो है एंटी ब्लेमिश स्किन सीरम है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे ना तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिजुविनेटेड रहती है, और अगर ब्लेमिशेस हो रहे हैं तो ब्लेमिशेस झट से दूर हो जाते हैं। इनमें गर्मी में बहुत ज़्यादा ब्लेमिश हो जाते हैं, तो ब्लेमिश फ्री बनाने के लिए आपकी स्किन को जो है आप इस तरीके का हाइड्रेटेड कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हो। सो यस, ये रजिस्ट्रार स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। अगर आपको भी बाय करने हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप बिल्कुल बाय कर सकते हो। ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वीगन हैं, क्रुअल्टी फ्री हैं और पैराबेंस फ्री हैं। सो आई रियली लव दीज प्रोडक्ट्स। तो इसको लगाने के बाद में गाइज मैं यूज़ करती हूँ रजिस्ट्रार स्किन साइंस का सैलिसिलिक एसिड फेशियल मॉइस्चराइजर। ये जो फेशियल मॉइस्चराइजर है ये आपके स्किन को जो है डीपली हाइड्रेट करता है, पूरे स्किन के जो 10 लेयर्स हैं ना उसमें डीपली जहाँ से आपको हाइड्रेटेड करता है। इस तरीके की बॉटल है और बहुत ही अच्छा मुझे इसका पंप ट्यूब लगता है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो ये मुझे काफ़ी पसंद है, और इसकी जो मतलब कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी है। ये जो है आपकी स्किन को एकदम बहुत अच्छा डीपली नरिश भी करता है, और इसमें शिया बटर दिया गया है और एलोवेरा जेल भी दिया गया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसको वंडरफुल बनाते हैं।
और फिर गाइज इसके बाद में आपको फोर्थ स्टेप में सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना है। आप कोई सा भी सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। समर्स में गाइज सनस्क्रीन इज द मस्ट थिंग टू अप्लाई ऑन टू योर फेस। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कोई सी भी नॉर्मल टाइप स्किन है, सनस्क्रीन तो मस्ट है। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में आप सनस्क्रीन लोशन लगाओ एंड देन यू आर गुड टू गो। सो यस गाइज यही था मेरा आज का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज इट लाइक जरूर करना। मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आई शैल मीट यू इन माय अनदर वीडियो। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइज, लव यू।